नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निको चौधरी ब्लॉग्स में। और मैं हूँ नताशा। सबसे पहले तो हैप्पी होली। आज है होली दुल्हनडी और मैं होली नहीं खेलती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। ऊपर से मुझे फेस पे एलर्जी हो जाती है कलर लगने के बाद में, और थोड़ा सा आज मन भी ठीक नहीं है। मैंने रात एक कम्युनिटी शेयर की थी घूम राजस्थानी के लिए। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में भी इतने ज़्यादा लोग सहन कर लेती है औरतें, उसके बाद में जो सहन करती है उन पर और ज़्यादा अत्याचार होते हैं। कुछ ऐसा ही इन बहन के साथ में हुआ है। छोटी सी डिटेल में बताऊँ तो ये बहन सरकारी नौकरी पे है, गवर्नमेंट जॉब पे है, और ये टीचर है। इनके हस्बैंड जो हैं वो शराब पीते हैं, और उन्होंने अभी एक दो दिन पहले की बात है शराब पीकर इनके साथ में बहुत सारी मारपीट की है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार किया है, शराब पी के बहुत मारपीट की है, और मारपीट इतनी हद तक की है कि उनको काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई है। उसके बाद में जब ये बच के वहाँ से अपनी जान बचा के बाहर आई तो किसी ने इनकी हेल्प नहीं की, किसी ने इनकी आवाज़ बन के उसका आदमी का सामना नहीं किया। अब इन्होंने रिपोर्ट वगैरह लिखाई है लेकिन उसके खिलाफ भी अभी कुछ नहीं हुआ है। तो इसी के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। आप जब ये वीडियो देखेंगे, जब मैं ये वीडियो बना रही होंगी, तब भी पता ही नहीं कितनी महिलाओं के साथ में इस तरीके की हरकतें हो रही होंगी, कितने व्यक्ति इस चीज़ से गुजर रहे होंगे। एनिमल अब्यूजिंग, लेडी अब्यूजिंग, वुमेन अब्यूजिंग, मैन अब्यूजिंग, मतलब इंसानियत मर चुकी है लोगों की ऐसी हरकतें कर करके। और उसके बाद में जब ये हरकतें अपने घर पे हो रही हो तो कितनी ज़्यादा एक इंसान को बुरा लगता है, शायद आप नहीं समझ सकते। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इनके सपोर्ट कीजिए, और इन जो इनके साथ में हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी यही कहना है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं ससुराल में हूँ, बार बार गेस्ट आ रहे हैं तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रही। लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर जो भी उस बहन को अब तक सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी हमसे हेल्प होगी हमें करनी चाहिए। हमें इतनी आवाज़ उठानी चाहिए कि उनकी जो रिपोर्ट वगैरह है वो सब सुनी जाए, उनके साथ न्याय हो, और उस आदमी को पता चले कि भाई वो क्या कर रहा है। सच में बहुत बुरा है ऐसे इंसान का अपने साथ में होना, सिर्फ एक नाम मात्र होता है हस्बैंड के नाम पे। और मैं जानती हूँ, क्योंकि होता ये है कि जब मेरे हस्बैंड मुझे ज़रा सा डांट देते हैं ना, मैं रोने लगती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। तो सोचो कि जिस इंसान के लिए वो सारी दुनिया छोड़ के आई और वो ऐसी हरकतें करे तो कितना बुरा लगता है। आई होप आप समझेंगे और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू।